टेक्सटिप्स के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जियो के 444 रुपए के डेटा पैक के बारे में। इसमें आपको कितना डेटा, कितना टॉक टाइम, कितनी वैलिडिटी और SMS या दूसरे सब्सक्रिप्शन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मैं माई जियो ऐप को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों माई जियो ऐप ओपन हो चुका है। नीचे मेन्यू है जिसमें सेकंड ऑप्शन रिचार्ज का, इस पर टैप कीजिए। टैप करते ही रिचार्ज की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। दोस्तों यहाँ मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू की बटन है, इस पर टैप कर दीजिए। टैप करते ही दोस्तों रिचार्ज की स्क्रीन में आपको प्लान्स लिस्ट करने लगेंगे। लेफ्ट साइड मेन्यू है जिसमें पॉपुलर प्लान्स पहले से ही सिलेक्टेड है। इस मेन्यू में डेटा पैक्स पर टैप कर सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों डेटा पैक्स आपको राइट साइड दिखाने लगेंगे। इसको स्क्रॉल करते हुए ऊपर जाइए और यहाँ आपको मिलेगा 444 रुपए का डेटा पैक जिसपे लिखा है डेटा ओनली पैक, और यहाँ व्यू डिटेल्स के बटन पर टैप कर दीजिए। टैप करते ही दोस्तों डिटेल्स ओपन हो जाएंगी पैक की। आप देख सकते हैं पैक वैलिडिटी 60 दिनों की है। जो डेटा आपको मिल रहा है 100 GB मिल रहा है, मतलब टोटल डेटा आपको 100 GB मिल रहा है। और इसको कंज्यूम करने के बाद यानी अगर ये खत्म हो जाता है डेटा आपका, तो आपकी जो स्पीड होगी 64 KBPS हो जाएगी। तो दोस्तों ये था 444 रुपए का जियो का डेटा पैक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में।